हरिद्वार में 15 अक्टूबर से बंद होने जा रही गंग नहर से व्यापारी नाराज हो गए हैं। आज अपर रोड पर व्यापारियों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गंगा बंदी के आदेश को वापस लिए जाने की मांग की है। चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से, मेला प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक गंगा बंदी 15 अक्टूबर की जगह 15 नवंबर से कर दी जाए। एक महीना ये जो सीजन है यात्रियों का, ये यात्रियों का सीजन हमें मिल जाए तो व्यापारी को कुछ लाभ हो जाएगा, नहीं तो आप देख लीजिए 3 महीने ट्रेनें बंद रहीं तो व्यापार बंद रहा, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, 4 महीने से लॉकडाउन का व्यापार बंद रहा, 3-4-6 दिन से व्यापार खुला है। व्यापार खुला है तो व्यापारियों को आशा जागृत हुई है। अब व्यापारियों की आशा फिल्कुल दुम हो जाएगी, जब गंगा बंदी हो जाएगी तो यात्री कौन आएगा यहाँ पे। और ये गंगा बंदी का हम विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। हरिद्वार के व्यापारी, हरिद्वार के व्यापारी को साथ ही मजाक हो रहा है। उधर एक तरफ तो आप 15 अक्टूबर से ट्रेनें चालू करने जा रहे हो, दूसरी तरफ आप 15 अक्टूबर से गंगा बंदी करने जा रहे हो, तो यात्री आएगा कहाँ हरिद्वार में? फिर हरिद्वार में तो सब कुछ गंगा के नाम पर ही यात्री आता है, टूरिस्ट आता है। व्यापारी पहले ही 5-6 महीने से लॉकडाउन झेल रहा है, व्यापारी की कमर टूट चुकी, व्यापारी पे कर्जे चढ़ चुके, व्यापार चौपट है। आज हमारा व्यापार खतरे में है, हरिद्वार के व्यापारियों का व्यापार कैसे बचे हम ये सोच रहे हैं। सरकार कहीं हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही, हरिद्वार प्रशासन हमारी तरफ कहीं ध्यान नहीं दे रहा, सिंचाई विभाग ध्यान नहीं दे रहा। अब सिंचाई विभाग का आदेश आ गया गंगा बंदी होगी, अरे क्यों होगी भाई गंगा बंदी? गंगा बंदी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों का कहना है कि एक तो सरकार 15 अक्टूबर से ट्रेन चलाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ 15 अक्टूबर से ही हरिद्वार में गंग नहर को बंद किया जा रहा है, जिससे हरिद्वार में यात्री नहीं आएंगे। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट।